तकरीबन 700 साथियों के समेत उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी शहादत दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सज्जन किसी कारण दिल्ली रुके हुए थे, उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा। उन्होंने लिखा कि इस 700 सिंह के विचों एक ने भी अपने चित नूं नहीं बुलाया और ना ही उन्होंने अंदर डर मुहब्बत ते मोह ने अपना असर पाया। बाबा जी की शहादत है, रक्षियन सामने बैठा है, उन्हों का 2.5 साल का बच्चा अजय सिंह उन्होंने लिया के बाबा जी की गोदी बिठा दिता। रक्षियन ने एक खंजर जी है बाबा जी वालों सुटी, कह लगे हत्या इस खंजर के नाल इस बच्चे का जड़ा सीना है वो चाप कर दे और ये कार के निपट। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खंजर फड़ी, रक्षियर वालों देखा कि जी खंजर है उधर फूक दी। बाबा जी कह लगे रक्षियर ये तो मेरा पुत्र है, जे कि तू अपने पुत्र को भी मेरी गोदी च लिया के बिठा के खंजर दिता मैं तो तेरी ना चलाऊंगा। रक्षक सामने बैठे कह लग्या बंदिया बोल तेन किस मौत मारिया जाए। तो बाबा जी ने देखा कह लगे रक्षक जिस मौत तू मरना वो मौत मैनू दे दे, जिस मौत तू मरना है। कहिंदा अजिहा गुस्ताख, उन्हें आख्या सरिये लाल करके पहला इन अखा कढ़ो। वह नहीं जी जानता, ये जानते हैं नैनम सैनंति शास्त्राणी नैनम दहति पावक है। ये उस अवस्था में जिथे शरीर संबंध संपर्क खत्म होके केवल आत्मा का परमात्मा का मेल है, वह नहीं जी जानते। वह नहीं जी जानता कि कृपा है कि करनीधर पातशाह दीवान नंदलाल जी पता की लिखते, कहते खाके राहस तूती आए अगर तस्मै मां अस्त आबरू अस्त जाए हर साहो गदा अस्त। कहते हे कलगी दर बादशाह तेरे राहां की उड़ रही धूल मेरे नेत्रां का सुरमा है, ये जरा सुरमा हर साहो गदा अस्त आबरू अफजाए आबरू की इज्जत अफजाए का अर्थ हूं बधा देनी। सुरमा है जड़ी हर फकीर भाव गरीब ते राजे की इज्जत में बधाता है। राश राहस शब्द तेरा है पर फारसी में तो गरदान बन गए, जिन्हें संस्कृत में पुती है आपूती बदल दीए शब्द का अर्थ बदल जाता, अंग्रेजी में फार्म बदल दीए वह अर्थ पास्ट प्रेजेंट में चलिया जाता। इस तरह फारसी में जो आप गरदान बदलते हैं वह अर्थ बदल जाता। राधी कलम कलम कलमदीद कर्मस ये बुद्धि है वरना गरदान है। सो हे कलगी दरबार तेरे राह की धूल साढ़े चरणा नेत्रा के लिए सुरमा और उन्होंने पढ़िया उन्होंने आप कलगी पातशाह ने तोरिया। बाबा जी की शहीदी होंगी है, मैं एक छोटी जी गल आपके इस मिनट समाप्ति करते हैं। ठीक 2.5 साल के बाद बगावत होंगी है और लाल किले से रक्षियल का भतीजा कब्जा कर लेता है। दरबारी खास हुंदा है
दरबारे खास के अंदर प्रक्षियों में पेश किया जाता है। पहली सभा उन्हें मौलवी ने इशारा किया इधर से फतवा दो। मौलवी फतवा देता ये दुष्ट ये पापी ये धर्म के अनुकूल कह लगे इनू सजाए मौत है। प्रक्षियों ने देखा अज रात की गल है यही काजी मेरिया सिफतों में प्रोल बन रहा थे हम मैं फतवा दे रहा उन्हें आख्या की कह लगे इंडिया अखा कट देना चाहिए। उस वे उस सरिए लाल किते सब तो पहला प्रक्षियों दखा कटिया ये बाबा जी का किया हुआ वजन पूरा गया। तो मैं इतने अपने विस्तार जोड़े इन्होंने विश्राम देना और अस्थान के पक्षे भाई बाबा विजी चंद महान गुरसिख तिना सीने बसीने अंश बाबा बंता सिंह जी बड़ा स्नेह रखते हैं। यही नहीं इन्हों के बजुर्ग व्डे बजुर्गों पीढ़ी दर पीढ़ी स्नेह चलिया आ रहा। सो उन्होंने इस स्थान से तशरीफ गा होकर अपने जड़े पवित्र बचने अपना जोड़ा पैगाम है वह आवाम तक नसल किया है बाबा जी को जीव आया तथा भाई निर्जर सिंह भाई जतेंद्र सिंह सुमो संगत जिन्होंने ये प्रोग्राम उलीकिया उन्हों का भी धन्यवाद है। सो एक बार फिर अस्थान पर पहुँचने के बाबा गुरदेव सिंह जी महाराज तथा बाबा नरेंद्र सिंह जी बाबा मित्र सिंह जी तथा समूह बेहमत सिंह वालों बाबा बंता सिंह जी को विशेष तौर पर जीवया हार्दिक स्वागत इतनी मैं और जिते मांगा सारे आप जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। सब दुख जाए ए बहादुर सिमरिया सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह कल जी तो सच्चे पातशाह जी सब थाई होए दस पातशाहियां चार साहिबजादे पंज प्यारे चाली मुक्ते समूह संतां भगतां समूह सत्यारिया प्यारिया सतकवाना शहीदा सिंघा जी की कमाई का ध्यान कर बोलना जी श्री वाहिगुरु समूह गुरु तख्त गुरुद्वारिया झंडिया गुंबिया निशाना जी का ध्यान कर बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतरयामी श्री गुरु नानक देव लंका सच्चे पातशाह जी इस वेले आप जी कहे गुरु अरदास बेनती है आप जी को विशाई तैयार है आप अपने सुखासन पर विराजमान हो जी संगतां नूं खुशियां बख्शो सर्वत प्रणाम आप करो श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भरा थिर कर वैसो अर्जन प्यारे सतगुर तुमरे दस्त दूत परमेश्वर भारी बादशाह शास कर महारस लाभ जय तत्काल उदार
ਸਾਧਨਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੇ ਰੂਪ ਤਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸਭ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਰੂਪ ਤਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸਭ ਮਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।